और मैं जरूर दसना चाहना कि रुस्तम जमां गामा पहलवान जी उन्होंने अच्छा। भी इतने कुश्ती हुई है जी। इमाम बख्श पहलवान साहब रुस्तम हिंद गुंगा पहलवान बाली वाला रुस्तम हिंद और अनायत पहलवान उस्तादा वाला फखरे हिंद सतारे हिंद और राजू पहलवान राकट जी रुस्तम हलाले इस्तकलाल का तमगा उन्होंने ऐसे मैदान के अंदर जितया वाह जी और पाकिस्तान के अंदर वाहे तमगा जोड़ा राजू पहलवान राकट साहब ने जितया शेख मौला का तालाब तारीखी हसीयत का हामल है जी। यह हसीयत किस तरह है कि हज़रत कायद आज़म मुहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान उन्होंने इत्थे तारीखी खिताब फरमाया ठीक है जी। सब तो अहमियत जी एवे और हूँ तक यह पहलवाना का जोड़ा यह मरकज़ है पूरे पूरे पाकिस्तान का एद नाल दी पहलवाना की जगह कोई नहीं। असी ममनून हाँ डी सी साहब के और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के भी जी जिन्होंने और चीफ ऑफिसर बल्दिया यानी कारपोरेशन के चीफ ऑफिसर साहब जिन्होंने सानू इजाजत दे के ममनून फरमाया। असी अपना एक कंपीटिशन करवा चुके हैं जिहड़ा कि 7 जनवरी नूं अल्लाह दे फजलो करम नाल कामयाब फंक्शन होया और दूसरा फंक्शन असी हाजा आसफ साहब साढ़े मेहमान खसूसी ने साबक वफाकी वजीर जी हाजा मोहम्मद आसफ साहब और हाजा सफदर साहब की याद के अंदर यह दंगल होएगा और इंशाल्लाह ताला 28 जनवरी इंशाल्लाह ताला जड़िया खाली सीढ़ियाँ ने तुम भरी दी नजर आने बहुत आला जी। अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों मैं थोड़ा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी के नाल एक नवे रंग नवे ढंग खिदमत हाजिर हाँ। मैं पहुँचिया जी अज सियालकोट शहर जो कि मेरा अपना भी शहर है और जिस पॉइंट का मैं तुहानू व्यू दिखा रहा वहाँ चार चुफेरा क्या मैं पाकिस्तान तो पहले अखाड़ा होया करता सी ना सिर्फ होया करता सी बल्कि अज की डेट के भी अखाड़ा ही है। मैं अज की डेट के जिस फैमिली नाल या जिस परिवार के चश्मो चिराग के नाल गलबात कर जा रहा वा उन्हों का तलक भी शेरे बब्बर अनायत पहलवान जी उस्तादा वाला फखरे हिंद सितारा हिंद जो मुख्तलिफ टाइटल तो उन्होंने नवाजा गया और परसवीर दौर के बहुत व्डा ना उस्तादा वाला तो उन्होंने जो भतीजे ने उन्होंने नाल गलबात करांगे और उन्होंने जानने की कोशिश करांगे स्पेशली उस्तादा वाला उन्होंने ताया जी पहलवान उन्होंने गलबात होगी और दूसरा इस अखाड़े को लैके तारीखी अखाड़े के किड़े किड़े हुए और प्लस सियालकोट के मशहूर अखाड़े कि सन ना सिर्फ मशहूर अखाड़े होर सियालकोट के जोड़े पुराने तुम कह लो कि पहलवान सन हाँ जी जिद एक होर बहुत व्डा ना गुंगा पहलवान जी का ना आता है तो यह वो जी पॉइंट है बहुत सारे जो बजुर्ग सियालकोटी सन जो अज के दौर में है ने इस जगह सुझान लैन गए पहचान लैन गए और दसते हैं कि जो सीढ़िया ने सामने नज़र आ रही तो काफ़ी सारे स्टैप सन कुछ ना स्टैप इधर थले दब गए इनू लोगों ने भरन की भी कोशिश की है। यह तुम कह लो कि एक ना एक जिदा एक स्टेडियम का एक शक्ल बनाई जाती है बिल्कुल उस तरह ही बनया गया ठीक है ना जी। तो यह गलबात है बाकी गलां बात जी उस्तादा वाला जो खानदान जो तकरीबन पिछे 7 नस्लों तो पहलवानी के नाल जुड़िया होया तो उन्होंने नाल गलबात असं करने जी और उन्होंने मजीद गलां बात पूछने पहलवानी लैके क्योंकि पंजाबी बका है पंजाबी कल्चर पंजाबी विरसा ठीक है होवे पंजाबी तो पहलवान जी के नाल जुड़त वो मुहब्बत वह मोह ना हो मैं नहीं मानता और कितने ना कि अज की नस्ल के चीज़ा गुम हो गई दूर हो गई जी। हाँ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं ऑलरेडी थोड़ा तारफ करा चुके हाँ मैं पहले भी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया वे लोन साहब छोटे होंदया को बोली सी गड्डी चली है मुल्तान उत्थे वड्डे वड्डे पहलवान खांदे गिरियां बादाम मारन मुक्की ते कढ़न जान ते खैर अज असी सियालकोटी पहलवाना ते गलबात करांगे और तुहाडा अपना तलक भी सियालकोट दे बहुत वड्डे घराने नाल तलक है शेरे बब्बर अनायत पहलवान उस्तादा वाला जी जो सतारा हिंद फखरे हिंद मतलब इन्ना ज़्यादा तो उन्होंने नवाजिया गया तो अज की डेट के असी जिस जगह पर खड़े हाँ सियालकोट सिटी का बड़ा मशहूर पॉइंट शेख मौला का तालाब जी और दूसरा इनू
या मतलब कह लो कि जिस ग्राउंड या जिस एरिए इस वेले खड़े हाँ इनू शेख मौला का तालाब अखाड़ा कहा गया। इतने बहुत बहुत व्डे दंगल होए वो खैर बाद चे गलां पता करा डिटेल दे नाल ते थोड़ा जहा मैं दस दवो कि मैं वेखन दिया वा कि इतने तैयारी शारी बड़े इंतजाम हो रहे ने कि आया कोई दंगल हो जा रहा वे। जी बिल्कुल अलहमदुल्ला तालाब शेख मौला बख्श एक त्रीही कुश्ती गाह है पूरे वर्ल्ड के वाहिद ऐसी कुश्ती गाह है जी 300 साल कदीमी है जी और शेख मौला बख्श ने इन्हू वक्फ किया खसूसी तौर पर पहलवाना वास्ते। अच्छा जी। और पिछले दौरे घूमत दे विच जड़ा गया है वो कुछ कब्जा माफिया ने मिट्टी भरा के इनू खत्म करन दी जड़ी ये बड़ी कोशिश की थी लेकिन असी अलहमदुल्ला भाई जफर लौन साहब और शेख कदीर साहब जेडे नाजम सर इतों के और जेडे मेयर सन साबका चौधरी तौहीद अख्तर साहब इन्हें दिन रात मुसलसल तगोदो करके मेहनत करके इनू बचाया इस तालाब शेख मौला बख्श नहीं तो इनू मुकम्मल तौर पर मलबा का बना के ये मनसूबा से जोड़ा उन्होंने नाकाम हो गया अल्लाह के फजलो करम का जी। तो हूँ इतने अलहमदुल्ला असी शेरे सियालकोट जूनियर शेरे सियालकोट के कुश्तियाँ के मुकाबले करा रहे हैं 28 तरीक न फाइनल होएगा 25-26 जिन्हें ट्रायल हो गए और 27 सैमीफाइनल होएगा। तो साढ़े इस मुकाबले के जिन्हें साढ़े खाड़े रजिस्टर्ड हो जिला सियालकोट के वो सारे खाड़िया के पहलवान जोड़े उत्थे जोर करते हैं वो इस हिस्सा लैन गए जिन्हें भी पहलवान ने ते अल्लाह के फजलो करम नाल साडे मेहमाने खसूसी ने साबक वजीरे दफा हाजा मुहम्मद आसफ साहब वो भी तशरीफ लिया रहे हैं और भी काफ़ी जोड़े मुअज्ज़ज़ मेहमान ने ग्रामी जोड़े ने तशरीफ लिया रहे हैं और आवाम भी जी अपने पहलवानी का जो शौक रखते हैं वो भी जोग दर जोग अल्लाह के फजलो करम नाल इतने आने और एक बड़ा अच्छा आवाम जोड़ा है अपने जो कुश्तियाँ का एक इस मरकज़ के ये बड़ा अहम मरकज़ है अपने पहलवानी का तालाब शेख मौला बख्श साढ़े सियालकोट पंजाब की रवायत और सकाफत है अपने पहलवानी असी इन्हू उजागर करने मुकाबले करा रहे हैं इतने जी। तो इन थोड़ा ना तारीखी आने के हवाले दस इस जगह की जो इंपोर्टेंस है अज की जी सा नस्ल वो नहीं जानती तो मैं चाहना कि तुम दसो कि इतने किड़े किड़े नाम नामवर पहलवान मतलब कि इतने घुल के गए कुश्ती मुकाबले हुए। मैं शुक्रगुजार हाँ सब तो पहले सांझा पंजाब वालों का जेडे कि साढ़े तक आए और मैं जरूर दसना चाहना कि रुस्तम जमा गामा पहलवान जी उन्होंने भी इतने कुश्ती हुई है इमाम बख्श पहलवान साहब रुस्तम हिंद गुंगा पहलवान बालीवाल रुस्तम हिंद और अनायत पहलवान उस्तादा वाला फखरे हिंद सतारा हिंद और राजू पहलवान राकट जी रुस्तम हलाले इस्तकलाल का तमगा उन्हें ऐसे मैदान के अंदर जितया से वाह जी और पाकिस्तान के अंदर वाहिद तमगा जड़ा राजू पहलवान राकट साहब ने जितया से उस बाद सदीक पहलवान वह भी इतने कुश्तियाँ करते रहे हैं सदीक पहलवान बालीवाला और सब तो अहम चीज़ है ये कि शेख मौला का तालाब तारीखी हैसीयत का हामल है जी। यह हैसीयत किस तरह है कि हज़रत कायद आज़म मुहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान उन्होंने इतने तारीखी खिताब फरमाया ठीक है जी। सब तो अहमियत जी वे और हूँ तक यह पहलवाना का जोड़ा यह मरकज़ है पूरे पूरे पाकिस्तान का ए पहलवाना की जगह कोई नहीं असी ममनून हाँ डी सी साहब के और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के भी जी जिन्होंने और चीफ ऑफिसर बल्दिया यानी कारपोरेशन के चीफ ऑफिसर साहब जिन्होंने सानू इजाजत दे के ममनून फरमाया असी अपना एक कंपीटिशन करवा चुके हैं जोड़ा कि 7 जनवरी अल्लाह के फजलो करम ना कामयाब फंक्शन होया और दूसरा फंक्शन असी हाजा आसफ साहब साढ़े मेहमाने खसूसी ने साबक वफाकी वजीर जी हाजा मुहम्मद आसफ साहब और हाजा सफदर साहब की याद के अंदर दंगल होएगा और इंशाल्लाह ताला 28 जनवरी इंशाल्लाह ताला जड़ियाँ हाली सीढ़ियाँ ने तो भरी दी नजर आने।
बहुत आला जी। और असं ये चाह रहे हैं कि साढ़े जो सियालकोट के बच्चे ने सियालकोट के पहलवान ने जी जी जेडे स्टूडेंट्स ने असी अन करीब अपने रुस्तम हाई स्कूल और रुस्तम कॉलेजिएट के भी मुकाबले करवावे इंशाअल्लाह ताला जी के मुनफरद चीज़ होएगी अज तक किसी ने किया मगर असी पहलवानी के फरोग वास्ते असी यह भी मुकाबले करांगे जी इंशाअल्लाह ताला। और इत्थे रौनक होएगी एन करीब है जिहड़ा खाड़ा तुहानू नज़र आ रहा जी बिल्कुल जी इत्थे इस महीने के आखिर ते या अगले महीने के शुरू च रेगूलर बुनियादा ते रोजाना दियां बुनियादा ते इत्थे खाड़ा भी होएगा जी जी। और यह कमरे जड़े ने जी जी पहलवाना वास्ते एक दफ्तर बन रहे है जी जी एक रियाजत वास्ते एक कमरा भी ठीक है इत्थे समान आ रहे है ठीक है साडे प्रेजिडेंट जी जेडे इस एसोसीएशन दे और आईसीएन दे प्रेजिडेंट ने जी चौधरी तौहीद अख्तर साहब जी साबका मेयर सियालकोट ठीक है और कैंट हाउसिंग सोसाइटी दे ओ मैनेजिंग डायरेक्टर ने जी ओ स्पॉन्सर कर रहे ने अगे जी जी और अल्लाह ताला उन्हां नू मजीद ताकत दवे जी और साडे नाल बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव ने और शेरे सियालकोट दंगल दे विच ओ मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर कर रहे हैं वाह जी और उन्होंने उस तो बाद भी कहा तुम जो भी इवेंट कराओगे मैं इंशाअल्लाह ताला तुहाड़े नाल जी यह साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है बहुत और असं उन्होंने को बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद भी बेहतर हो जी जी इंशाअल्लाह जरूर। हाँ साहब है गल मैनू सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम फने पहलवानी स्कूल लैवल से भी प्रमोट कर रहे हो और कॉलेज लैवल से भी प्रमोट आने वाले दिनों करोगे जी इंशाअल्लाह। इस वेले मतलब तुम बतौरे आई सी एन जी डिस्ट्रिक्ट रैसलिंग नैशनल एसोसीएशन जनरल सैकटरी तौर पर विराजमान हो जी तो ये वास्ते जो मुकाबले जो कुश्तियाँ मतलब कि कह लो कि जिदा तुम थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि 28 तारीख को दंगल हो जा रहा वे शेरे सियालकोट और जूनियर सियालकोट की कैटागरी ठीक ये माड़ा जहा सू भी दसो कितों कितों मतलब के लोग यानी कि पहलवान कि आया सियालकोट के एरिए हो गुजरांवाला या दूसरे आउट ऑफ जोन चु भी मतलब कि दूसरे जिले चु भी लोग आने देखो यह जोड़ा मुकाबला हो रहा ना ये 100% जिला सियालकोट के पहलवान हिस्सा लैन गए ठीक हो मगर देखने वास्ते इंशाल्लाह ताला लाहौर तो भी आएंगे मुल्तान तो भी आ रहे हैं ठीक है गुजरांवाला तो भी आ रहे हैं साढ़े जड़े दंगल के मुनसफ ने वो अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान के बेटे ने रियाज पहलवान सतारा पाकिस्तान ठीक है वो इंशाल्लाह ताला इतने मुनसफी के फराइज जड़े ने अंजाम देंगे और उन्होंने नाल भी मुआवन हो गए अपना नवीद अनवर भट्ट साहब जलालपुर के उर्फ मुन्ना पहलवान अच्छा जेडे के मोहम्मद अनवर भट्ट साहब जलालपुरी जेडे के फखरे पहलवाना ने अच्छा जिन्हें उन्होंने खिदमत की है पहलवानी के किसी ने की उन्होंने बेटे वो भी इतने जो मुनसफ हो गए उस तंग बहुत इंशाअल्लाह ताला बहुत आला जी ठीक है जी।